नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो द थिंग्स में। आज दोस्तों मैं मेरे कॉलेज के गेस्ट हाउस में आपको लेके चल रहा हूँ, जिसमें मैं खुद भी पहली बार ही रुका था। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसा है MNIT जयपुर का गेस्ट हाउस। तो दोस्तों, जब मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट था, उस दौरान मैं कभी इस गेस्ट हाउस में नहीं आया, क्योंकि मैं हॉस्टल में ही रहा करता था, तो गेस्ट हाउस में रुकने का काम ही नहीं पड़ता था। लेकिन आज जब मैं 10 सालों बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरे कॉलेज में आया हूँ, तो मैं गेस्ट हाउस में रुका हूँ। तो दोस्तों, ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जिसका नाम सूर्योदय आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, ये पुराना गेस्ट हाउस था। और एक ही गेस्ट हाउस था उस टाइम पे, लेकिन अभी नया गेस्ट हाउस भी बना दिया गया है और उस बिल्डिंग का नाम है इंद्रधनुष। उसी नई बिल्डिंग की तरफ ही मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि किस तरह का रेस्ट हाउस है वो। दोस्तों, चारों तरफ आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। इस गेस्ट हाउस के सामने भी एक लॉन बना हुआ है और ये नए गेस्ट हाउस की जो बिल्डिंग है, इसमें VIP लोगों को ठहराया जाता है और जो बच्चों के पेरेंट्स वगैरह आते हैं, उनको अभी भी पुराने रेस्ट हाउस में ही ठहराया जाता है। अब दोस्तों, दोनों ही बिल्डिंग में किचन भी बने हुए हैं, लेकिन जो नई गेस्ट हाउस की बिल्डिंग है, उसी का किचन चालू रहता है और वहाँ पर ही गेस्ट को खाना वगैरह, ब्रेकफास्ट है, टी है, यहीं पर सर्व की जाती है। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, कि ये नई बिल्डिंग है जिस पर इंद्रधनुष लिखा हुआ है और चारों तरफ बहुत शानदार ग्रीनरी है, शांति है। तो दोस्तों, और भी आपके कोई प्रश्न हो इस कॉलेज से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सवालों का जवाब दूंगा आपको। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।